हेलो ट्रेडर्स, मैं विद्या सागर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहां पर मोमेंटम कर सकता है एंड में कहां पर बाइंग और सेलिंग देखने को मिल सकती है। जैसे गैस, आज हमने अपने प्रीमियम मेंबर्स को 16,300 का सीई बाय करने के लिए दिया था, जो कि 50 के लेवल पर, एंड हमें 50 से 170 तक के टारगेट ईजिली देखने को मिले। तो आप देख सकते हैं गैस, यहाँ पे हमें वन डे में ही 300% के रिटर्न देखने को मिले। एंड वहीं पर हमने फिर अपने मेम्बर्स को 16,400 का सीई भी बाय करने के लिए दिया था, जो कि 30 के लेवल से आप देखें तो यहाँ पे हमें 80 तक के इजिली टारगेट देखने को मिले। तो आपको गाइस यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 250% के रिटर्न देखने को मिले। एंड वहीं पे फिर हमने अपने मेंबर्स को 35,000 का सीई बाय करने के लिए दिया था, जो कि 65 के लेवल पर, एंड वहाँ से हमें 95 तक के इजिली टारगेट देखने को मिले। अगर गाइस आप स्टॉक मार्केट में सीरियसली अपने लॉसेस को रिकवर करना चाहते हैं तो आप हमारे प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको अभी डिस्प्ले पर एक मोबाइल नंबर शो किया जा रहा है, आप उस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जैसे गाइस ये हमारा प्रोफेशनल चैनल है, तो जाके आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की कॉल्स को प्रोवाइड करते हैं। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं मार्केट में हमें किस तरह का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अगर गाइस हम ग्लोबल इंडेक्सेस की बात करें तो यहाँ पे अभी हमें डाउ जोन्स में 104 पॉइंट की पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। एंड वहीं पर अगर हम नैस्डेक की बात करें तो नैस्डेक में हमें 70 पॉइंट्स की अभी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। तो जैसे कि अगर हम गाइस ग्लोबली मार्केट की बात करें तो ऑल ओवर मार्केट में हमें यहाँ पे मिक्स क्यूज देखने को मिल रहा है। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं इंडियन मार्केट में हमें किस तरह के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। जैसे ही गैस अभी हमने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है, एंड अभी हम यहाँ पे देखते हैं मार्केट ने आज किस तरह से मोमेंटम किया। देखिए गैस क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पे मार्केट में थोड़ी सी सेलिंग आई, एंड उसके बाद मार्केट में अच्छी खासी बाइंग आई, एंड यहाँ पे मार्केट ने अपने गैप को भी फिल किया। तो जब भी मार्केट अपने गैप को फर्स्ट टाइम फिल करता है तो वहाँ पे हमें रेजिस्टेंस एरिया देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमें दो बार रेजिस्टेंस एरिया देखने को मिला, एंड यहाँ पे जब मार्केट आफ्टरनून के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, एंड अच्छी खासी यहाँ पे अभी क्लोजिंग भी दी है मार्केट ने, जो कि एक अच्छा साइन बनता है हमारी इंडियन मार्केट के लिए। तो अभी हम एग्जैक्टली देखते हैं यहाँ से हमें किस तरह लेवल्स दिखाई पड़ते हैं। अगर मान लीजिए गाइस मार्केट यहाँ पे 35,100 एंड 35,000 के बीच में फ्लैट ओपन होता है तो आपको क्या करना है, आपको इमीडिएटली गाइस जैसे ही मार्केट ये 35,150 के लेवल को क्रॉस करेगा तो फिर आपको यहाँ पे इमीडिएटली बाइंग की मोमेंटम को बनाना है। जो आपको पहला जो टारगेट दिखेगा वो आपको पहला टारगेट 35,300 एंड फिर आपको यहाँ पे 35,400 तक के भी इजिली टारगेट देखने को मिल सके। ये जो स्विंग है, ये स्विंग अगर ब्रेक होता है तो फिर आपको ईजिली मार्केट में 35,000 तक के भी ईजिली टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर मान लीजिए गाइस मार्केट यहाँ पे 35,300 के आसपास गैप अप ओपन होता है तो आपको पहले तुरंत बाय नहीं करना है, आपको पहले प्राइस एक्शन देखना है। अगर मार्केट 15 मिनट की कैंडल में स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखाता है तो फिर आपको गाइस यहाँ पे बाइंग की मोमेंटम देखने को मिल सकती है। आपको जो पहला जो टारगेट देखने को मिलेगा वो 35,500, अगर 35,500 का लेवल क्रॉस होता है तो फिर आपको यहाँ पे 35,700 तक के इजिली टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर मान लीजिए गाइस मार्केट यहाँ पे 34,900 के आसपास गैप डाउन ओपन होता है तो आपको क्या करना है, आपको गाइस यहाँ पे सेलिंग जब तक नहीं बनानी है जब तक कि मार्केट यहाँ पे 34,700 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है डाउन साइड की तरफ, तब तक आपको यहाँ पे सेलिंग की मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगी। जैसे ही ये 34,700 के लेवल को क्रॉस करता है डाउन साइड की तरफ तो फिर आपको यहाँ पे जो पहला जो टारगेट देखने को मिलेगा वो 34,500, एंड यहाँ पे आपको एक पुल बैक देखने को मिल सकता है, क्योंकि गाइस यहाँ पे क्या है, एक राउंड लेवल है, तो राउंड लेवल पे मार्केट एक सपोर्ट लेते हुए भी दिख सकता है। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं निफ्टी में हमें किस तरह का सिनेरियो देखने को मिल रहा है। आज निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ लेकिन हमें यहाँ पे इमीडिएटली पुल बैक देखने को मिला, एंड यहाँ पे फिर अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली मार्केट ने। यहाँ पे निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था अकॉर्डिंगली टू बैंक निफ्टी, क्योंकि गाइस क्या हुआ, आज निफ्टी के आईटी सेक्टर्स एंड एफएमसीजी सेक्टर में अच्छी खासी बाइंग आई थी जिसका सपोर्ट निफ्टी को मिला है। तो अभी हम देख लेते हैं कल हमें किस तरह के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। मान लीजिए गाइस मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है एंड जब तक कि मार्केट यहाँ पे 16,520 के लेवल को नहीं क्रॉस करता है तब तक आपको यहाँ पे बाइंग नहीं करनी है। जब ये मार्केट इस लेवल को क्रॉस कर देगा तो फिर आपको यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल सकती है। जो आपको पहला जो आपका पहला टारगेट होगा वो आपका 16,600 एंड फिर 16,650 भी आपको इजिली टारगेट देखने को मिल सकते हैं।
अगर मान लीजिए गाइस मार्केट यहाँ पे 16,560 के ऊपर गैप अप ओपन होता है, तो आपको फर्स्ट 15 मिनट में देखना है मार्केट किस तरह का मोमेंटम बना रहा है। एंड जैसे ही मार्केट ये लेवल को क्रॉस करेगा 16,600, तो फिर आपको यहाँ पे एक अच्छी खासी बैंक देखने को मिल सकती है। आपको जो पहले जो टारगेट होगा वो 16,720 एंड 16,760 तक के आपको ईजिली टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर मान लीजिए गैस मार्केट यहाँ पे 16,400 के आसपास गैप डाउन ओपन होता है, तो गैस आपको यहाँ पे जब तक सेलिंग नहीं बनानी है जब तक कि मार्केट 16,250 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है। एंड जैसे ही वही 16,250 का लेवल डाउन साइड की तरफ क्रॉस होता है, तो फिर गैस आपको यहाँ पे 16,150 एंड फिर 16,100 तक के इजिली टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो गैस आपको इन लेवल्स पर नज़र बना के रखनी है। तो आई होप गैस आपको हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए गैस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।